बुलंदशहर हिंसा के बाद जिले के एसएसपी कृष्ण बहादुर सिंह को हटाया गया, डीजीपी मुख्यालय लखनऊ में तैनाती। प्रभाकर चौधरी बनाए गए बुलंदशहर के नए एसएसपी, अभी सीतापुर के एसपी हैं। बुलंदशहर में सियाना नाम के जिस इलाके में हिंसा हुई, वहां के सीओ सत्यप्रकाश शर्मा और चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार हटाए गए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद कार्यवाही। बुलंदशहर हिंसा पर सीएम योगी बोले, इंस्पेक्टर की मौत मॉब लिंचिंग नहीं बल्कि हादसा। बुलंदशहर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या में 5 और आरोपी गिरफ्तार, लेकिन मुख्य आरोपी योगेश राज अब भी पकड़ से बाहर। बुलंदशहर हिंसा में आरोपी सेना के जवान जीतू फौजी उर्फ जितेंद्र मलिक का सुराग नहीं, वीडियो में हथियार के साथ दिखा था, हिंसा के बाद जम्मू भाग गया। आरोपी जवान जितेंद्र मलिक के पिता राजपाल ने एबीपी न्यूज से कहा, घटना वाले दिन के बाद घर वापस नहीं आया उनका बेटा, पुलिस कर रही है परेशान। बुलंदशहर हिंसा में शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह से पहले नाराज थे बीजेपी कार्यकर्ता, इंस्पेक्टर को हटाने के लिए सांसद को पत्र भी लिखा था। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर फिर बोले, बुलंदशहर में हुई हिंसा बीजेपी की साजिश। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों से जुड़े 3 लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। कल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के दिल्ली, नोएडा और जयपुर के ठिकानों पर 16 घंटे तक ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। रॉबर्ट वाड्रा की वकील का आरोप, बगैर वारंट दिखाए छापेमारी। ईडी की छापेमारी पर वाड्रा के बचाव में कांग्रेस, कहा डॉन की तरह काम कर रहे हैं मोदी। ईडी ने आज सुबह वाड्रा के करीबी कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा के दिल्ली वाले घर में छापा मारा है, कुछ कागजात और सामान जब्त किया। बताया जा रहा है कि कल से ये छापेमारी किसी रक्षा सौदे में कुछ लोगों की कमीशन खोरी को लेकर हो रही है, हालांकि ये रक्षा सौदा कौन सा है ये अभी साफ नहीं है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की जाँच एसआईटी ने शुरू की। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रयागराज में यूपी के सीएम योगी। वाराणसी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी की जाति के प्रमाण पत्र की मांग की। विवादों में घिरे जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा, गोवा में बीफ खाकर ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, गोवा बीजेपी शासित राज्य इसलिए बीफ खा रहा हूं। हरियाणा में बीजेपी के मंत्री मनीष ग्रोवर का बयान, निगम चुनाव में पैसा, गनमैन हथियार सब दूंगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं। एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल, बीजेपी के हाथ से निकल सकता है मध्य प्रदेश और राजस्थान। 126 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस बना सकती है सरकार, भारी नुकसान के साथ बीजेपी को 94 सीटें। चैनलों के एग्जिट पोल पर बोले एमपी के सीएम शिवराज, मैं सबसे बड़ा सर्वेयर हूं, भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस कर सकती है शानदार वापसी। एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 101 और बीजेपी को 83 सीटें मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हो सकती है वापसी, पिछला रिकॉर्ड टूटने का अनुमान। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को सिर्फ 35 सीटें। एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जोगी और बीएसपी का गठबंधन होगा फेल, सिर्फ 3 सीटों का अनुमान। तेलंगाना में फिर से चंद्रशेखर राव की सरकार बनने का अनुमान, केसीआर की पार्टी टीआरएस पहले और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक के इंचार्ज रहे जनरल डीएस हुडा बोले, यह आर्मी का ऑपरेशन था, इसको सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के माछिल में शहीद राजेश कुमार को यूपी के एटा में सम्मान नहीं मिलने से भड़के परिजन, रोडवेज बस पर पथराव किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक आतंकी गिरफ्तार। मेरठ में प्रेमी प्रेमिका को परिवार वालों ने ही गाड़ी में जिंदा जलाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में 2 गोक्षों ने पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में रुबेला टीका लगने से 5वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की मौत। लखनऊ के सहारा ग्रैंड होटल में 2 बदमाशों ने रिसेप्शनिस्ट को मारी गोली, मौके पर मौत। रोहतक में अपने ही ताऊ को गोली मारने वाले 15 साल के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में धुएं की वजह से कार और ट्रक में टक्कर, 2 पुलिस जवानों की मौत।
लखनऊ में आरपीएफ ने ट्रेन में चढ़कर टीटी पर रौब दिखाने वाले नकली अधिकारी को गिरफ्तार किया। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी के लिए सजा मुंबई में उनका घर एंटीलिया। एडिलेड टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करने वाले आर अश्विन बोले मैच भले अभी बराबरी पर लेकिन भारत की जीत की उम्मीद ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया के चैनल को दिए इंटरव्यू में बोले विराट 1.5 साल में मुझमें काफी बदलाव आया। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन मैच देखती नजर आई विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा। 11 दिसंबर को शादी की सालगिरह है। करियर का आखिरी मैच खेल रहे गौतम गंभीर ने आज रणजी में खेली शानदार पारी, आंध्रा के खिलाफ ठोका शतक। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट, प्रियंका चोपड़ा ने लगातार दूसरी बार जगह बनाई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।